हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इन वाटरमेलन सीड्स के साथ एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अक्सर हम लोग इन छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन इससे एक इतनी टेस्टी रेसिपी बनेगी कि आप इन्हें कभी नहीं फेंकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि वाटरमेलन जो छिलके हैं उसके ऊपर ये जो रेड पर्ट थोड़ा बहुत रह जाता है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। ये जो रेड पार्ट है ये जितना ज़्यादा निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमें ये रेड पार्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इनका जो रेड पार्ट है वो मैंने हटा लिया है। अब ये जो ग्रीन पार्ट है पीछे का, ये भी मुझे हटाना है, ये भी नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं हटा देती हूँ। इस तरह से मैंने ये पूरा छिलका जो है वो हटा दिया है, और मैं सबके ऊपर से इस तरह से ये छिलका हटा दूंगी। अब इन सब वाटरमेलन्स का मैंने छिलका उतार दिया है, तो इन्हें मैं कट करूंगी। कट करने के लिए मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करने हैं। आप चाहे तो थोड़े बड़े पीसेस कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। ये सारे वाटरमेलन जो पील्स थे वो मैंने कट करके रख दिए हैं। अब मैं सेम पैन में 2 गिलास पानी डालूंगी और इसमें एक बॉईल आने दूंगी। पानी में बॉईल आ चुका है तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये वाटरमेलन पील्स जो मैंने कट करके रेडी रखे हैं। और इसमें फिर से एक बॉईल आने देंगे। और अब इसमें फिर से बॉईल आ चुका है तो मैं इसे फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसको 5 मिनट तक ढककर पका लूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। और ये जो वाटरमेलन पील्स हैं ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और जैसे मुझे चाहिए थे उतने ही पक चुके हैं। तो मैं इन्हें इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ। अब मैं कढ़ाई में 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ और इस पानी में मैं डाल दूंगी 1 कटोरी चीनी। सेम कटोरी मैंने यूज़ की है। और मैं इस चीनी को घुल जाने दूंगी पानी में। इसकी मैंने चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को पानी में घोल लेना है। चीनी घुल चुकी है तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ जो मैंने उबाल कर रखे थे वाटरमेलन सीड्स, सॉरी वाटरमेलन के जो पील्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इनमें एक बॉईल आने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर मैं 5-7 मिनट तक कुक करूंगी। इसको खुला ही पकाना है ताकि जो चाशनी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। इसे पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो चाशनी है वो कितनी रिड्यूस हो चुकी है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। अब जब ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। आप इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, बट मेरे पास वनीला रखा है तो मैं वनीला डाल रही हूँ। थोड़ा सा वनीला एसेंस मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और वनीला एसेंस हर चीज़ में अच्छे से जाता है। आप केक बनाएं, बिस्किट बनाएं, वनीला एसेंस का फ्लेवर सब में बेस्ट होगा। और अब मैं इसे अलग अलग बाउल में डाल दूंगी। इसे चाशनी के साथ ही डाल रही हूँ और इसे मैं 4 जगह पर डिवाइड करूँगी। मैंने इन्हें 4 जगह पे डिवाइड कर लिया है तो मैं इसमें कलर मिला देती हूँ। ये ज़्यादा निकल गया है, मैं इसे कम कर देती हूँ। थोड़ा सा कलर इसमें मिला दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और दूसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ येलो कलर। अब तीसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर जो मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड डाल सकते हैं। और चौथे बाउल में मैं डालूंगी थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा रेड मिक्स करके, ताकि इसमें आ जाए एक सुंदर सा ऑरेंज कलर। और मेरे पास ये थोड़ी सी और बच गई थी तो इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी ताकि ये नेचुरल कलर की बन जाए। तो मेरे पास ये 5 कलर रेडी हो जाएंगे। और इन सबको मैं ढककर ओवरनाइट रख दूंगी, या फिर कम से कम इन्हें 5 से 6 घंटे तक रखें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पे किस तरह का कलर आता है। मैंने इन्हें रात को रखा था
इसमें चाशनी में डुबोकर, और अब सुबह हो गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पे कितना अच्छा कलर आ चुका है। हालांकि ये जो ऑरेंज कलर है ये थोड़ा कम आया है, इसमें थोड़ा और येलो कलर डल जाता तो ये थोड़ा और ऑरेंजिश हो जाता, थोड़ा रेडिश लग रहा है, लेकिन इनके कलर बहुत ही अच्छे आए हैं। तो इन्हें मैं छान कर एक प्लेट में अलग अलग रखूँगी, क्योंकि अभी ये गीले हैं तो इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कलर चढ़ने का डर रहेगा, इसलिए इन सबको अलग अलग रखना है। तो मैं छान के एक प्लेट में रख देती हूँ और इन सबको मैंने छान लिया है। ये मैंने टूटी फ्रूटी बनाई है, इसको मैं 3-4 घंटे पंखे के नीचे सुखा लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसी हो जाएगी। और वैसे तो टूटी फ्रूटी आप जानते ही हैं कि पपाया से बनती है, लेकिन मैंने इसको वाटरमेलन वेस्ट से बनाया है और इसके टेस्ट में बिल्कुल भी जरा सा भी कोई फ़र्क नहीं है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ये टूटी फ्रूटी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल सेम वैसी ही बनी है जैसे मार्केट में मिलती है। और ये जो सिरप मेरे पास बच गए हैं, इनको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इनसे बहुत ही बढ़िया मॉकटेल बनते हैं। तो इनको मैं सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। मैंने इन टूटी फ्रूटी को 2-3 घंटे तक सुखा लिया है, ये काफ़ी हद तक सूख गई हैं, लेकिन अभी थोड़ी चिपचिपाहट इनमें अभी बाकी है तो इन्हें अभी और सुखाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये वीडियो फिनिश करना है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल टूटी फ्रूटी का होता है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है खाने में। ये तो बनी है हमारी टूटी फ्रूटी, तो अब हमारे पास जो ये लिक्विड बच गए थे इनको किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आप इनमें कोई भी एसेंस मिला सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर में खस मिला सकते हैं, येलो कलर में आप पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं, या ये जो ऑरेंज कलर है इसमें ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं, और रेड कलर में आप रोज एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कोई एसेंस नहीं है, तो फिर भी मैं इनसे आपको शरबत बनाना सिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लास लिया है और इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी आइस क्यूब्स और साथ ही में मैं डालूँगी ये एक में मैं डाल देती हूँ येल्लो। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना मीठा पसंद है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और ये 2 ब्यूटीफुल शरबत तैयार हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।